तो मेरा नाम अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं ऐसी इस एक मिनट मेरा नाम अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, यानी कि केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को पढ़े मुझे लगभग हो गए 3 साल, और अब इस वीडियो में ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो केमिस्ट्री के पेपर के टाइम होती हैं और जो आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि अगर पढ़ना सिर्फ आपको है, मैं यहाँ सिर्फ बातें कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बकवास कर सकता हूँ, मेहनत मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैमरे के आगे बैठ के बोल रहा हूँ। जैसे होते ना आपस में दोस्तों के सामने बात कर लेते हैं, फिर घर जाके पता चलता है यार कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो वही हिसाब होगा अगर मैं और ये जो आप मेरी वीडियो देखने वाले हो, ठीक है। हाय गाइस, दिस इज अभिषेक फ्रॉम मिस्ट्री क्लासेस एंड आई एम अ स्टूडेंट जस्ट लाइक यू गाइस। आई जस्ट वांट टू शेयर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वेदर इट इज बैड और गुड ओनली टू हेल्प यू गाइस इन एनी पॉसिबल वे। आज का टॉपिक है कि केमिस्ट्री में अगर पास होने का सोचा है तो क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक लाइन में आंसर देना चाहूं इसका तो पढ़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू कुछ भी करने का। मतलब अगर आपको चलना भी है तो चलना तो पड़ेगा ना। सबसे पहले ये सोचो कि अभी तक क्या कर रहे थे, क्यों नहीं पढ़ा। मतलब अभी जो पूरा साल गया ट्वेल्थ में, तो ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है कि तुम्हें दूसरों से जा जा के पूछना पड़ रहा कि भाई मैं कैसे पास हूँ। तो सबसे पहले अपने अंदर की जो कमी है उसको बाहर निकालो, बजाय इसके कि सोल्यूशन तो तब मिलेगा ना, पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ आई। तो पहली बात ये, दूसरी बात ये कि अब जब पता चल जाएगी क्या दिक्कत है तो उस दिक्कत को लेके रोना नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अब जो आगे जो 10 दिन बचे हैं उसके लिए कुछ सोचना है, ठीक है। तो उसके में सोचना क्या है कि अब देखो बेटा हो तो क्या ही सकता है, अब क्या कर सकते हो कि अब मेरे हिसाब से मैंने जो किया था वही बताता हूँ मैं। तो अब लास्ट के 10 दिनों में अगर आपको सिर्फ आपका मोटिव है कि पास होना, और होना भी नहीं चाहिए दूसरा मोटिव, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है भी नहीं आपके पास ऑप्शन, तो आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन, एडवांटेज ये है केमिस्ट्री में कि जो एग्ज़ाम आता है वो सब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से ही आता है। 95% ऑफ दैट, जो जितना भी सब कुछ है वो सब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है हमारी, वो अगर रट सकते हो तो वो रट लो, अगर वो भी ज्यादा लग रहा है तो क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो। 10 साल के जो भी क्वेश्चन है उनमें से इतने क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे कि तुम पास हो जाओ जरूर, और इतने कंसेप्ट तुम सीख ही जाओगे, पास हो जाओ। तो सिंपल सी बात यही है कि तुम्हें अगर पास होना तो अभी से भी पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, एडवांटेज लो केमिस्ट्री के पेपर का। केमिस्ट्री का पेपर बाहर से नहीं आता, सब कुछ बहुत आसान आता है, लेकिन फिर भी मेरे और तुम्हारे मेरे जैसे लोग नहीं कर पाते क्योंकि केमिस्ट्री बस की नहीं होती शायद। केमिस्ट्री में कुल मिला के 16 चैप्टर थे जहाँ तक मुझे याद है, मैंने लास्ट टाइम बुक पिछले साल ही खोली थी जब बोर्ड्स का टाइम था, तो अभी मुझे याद नहीं, लगभग 16 चैप्टर था। लास्ट चैप्टर बायो दवाइयाँ थी, दवाइयाँ बोलता था मैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हाँ याद आ गया, 16 चैप्टर थे हमारे पास। उनमें से मुझे जो जेन्युइनली आते थे वो थे, फर्स्ट चैप्टर आता था उसमें मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला या जो बाकी चीज़ें जो भी फॉर्मूले रिलेटेड चीज़ें थी, जो क्योंकि उसमें कंसेप्ट लगा था, और जो डेफिनेशन थी दो तीन वो आती थी मुझे, फर्स्ट चैप्टर आता था। सेकेंड चैप्टर आता था वो भी, हाँ सेकेंड चैप्टर आता था अच्छे से, क्योंकि मैंने जो उसकी बैक एक्सरसाइज अच्छे से रट ली थी, जो भी आपके पास वो वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या कहते हैं उसे, ये नाम याद नहीं आ रहा भाई, इतने अच्छे से पढ़ा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शायद यही था, तो वो चीज उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल है वो कर लेना अगर आपको एनसीईआरटी से करना है तो। तो मुझे ये आता था, फर्स्ट चैप्टर आता था, सेकंड चैप्टर ये चीज़ें आती थी, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो भी ऊपर ऊपर से आता था, प्रॉपर नहीं आता था, नर्ड्स इक्वेशन जो थी वो मुझे अच्छे से आती थी, तो उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है वो कर लो। उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो था काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स क्या था, मैं कहा था जो केमिकल काइनेटिक्स थे उसके भी न्यूमेरिकल मुझे थोड़े बहुत आते थे। मतलब ओवरऑल बात यह कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद था सब कुछ, पहले 4 चैप्टर इतना ही पढ़ा था पूरे साल में, मैंने जो केमिस्ट्री पढ़ी थी ढंग से वो पहले 4 चैप्टर थी, उसके बाद 5th चैप्टर की मुझे थोड़े बहुत डेफिनेशन आते थे। आखिरी दिन जो नहीं 2 दिन पहले एग्जाम से मैंने 5th चैप्टर के डेफिनेशन रट रहा था, 6th चैप्टर जो था बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं आता था, एक शब्द भी नहीं, पी ब्लॉक डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ भी नहीं आता था, हो सकता है 1-2 टॉपिक पढ़े हों, क्योंकि मैं उनको रटता था, मुझे हर बार रटता था भूल जाता था, हर बार रटता था भूल जाता था, पता नहीं क्या होता था, ठीक है। बात करते हैं अब चैप्टर 10, 11, 12, 13 यानी कि जो वो वाले चैप्टर होते हैं हमारे ऑर्गेनिक के चैप्टर, तो इनकी इक्वेशंस मैंने रटी थी तगड़े तरीके से, शुरू के 4 चैप्टर और ये 4 चैप्टर जितना आता था मुझे इन्हीं में से आता था, इनके जो भी रिएक्शंस थे वो रटे हुए थे, जो नेमिंग रिएक्शन होती है जो बार बार आती रहती है जो प्रीवियस ईयर के होते, तो वही पढ़ा थे मैंने ये सब, ठीक है। मैं इस वीडियो में सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, ध्यान देना यार, मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे नहीं बता सकता कि तुम कुछ वो कर लो उखाड़ लो, बस मेरी बात सुनकर अगर तुम्हें कुछ इफेक्टिव लगता है तो कुछ कर लेना, और अगर थोड़ी सी शर्म हो तो पढ़ लेना, ठीक है।
ज्यादा बेइज्जती नहीं कर रहा ना, ऐसे मतलब बोलना बोलना पड़ता है ऐसे, ठीक है। ये शुरू के चार चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, इन चार चैप्टर्स की नेमिंग रिएक्शन और ये सारी चीजें मैंने पढ़ी थी। उसके बाद ना मुझे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आता था, पॉलीमर बायोमोलिक्यूल कुछ भी नहीं आता था। मैं एक दिन पहले एग्जाम से पहले मतलब मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था कि कहीं मैं मतलब मुझे ऐसे मतलब अपना एग्रीगेट परसेंटेज काफ़ी हाई रखना था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि केमिस्ट्री की वजह से मेरा डूब जाएगा सब कुछ, क्योंकि मेरा फिजिक्स का पेपर अच्छा जा चुका था, अब केमिस्ट्री मेरी ऐसे ऐसे कर रहा था। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि ये बता सकूँ कि आखिरी के डेज में भी कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे सही सही मार्क्स आ जाए। तो शुरू के चार चैप्टर पढ़ लो जिसके न्यूमेरिकल्स हैं, नेमिंग रिएक्शन पढ़ लो, और पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बैक एक्सरसाइज पूरी रट लो। बैक एक्सरसाइज रट लोगे तुम्हारा काम बना बड़ा है, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, टेंशन लोगे तो टाइम वेस्ट होगा और टेंशन बढ़ेगी। इससे अच्छा उस टाइम में जो टेंशन लेने वाले टाइम है उसमें कुछ पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना जल्दी पढ़ना स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। और मेरे मार्क्स अब नीचे कमेंट सेक्शन भर जाएगा कि मेरे मार्क्स कितने, मेरे मार्क्स कितने, मेरे मार्क्स 79 थे, ठीक है। 79 इन द सेंस 70 आउट ऑफ कितने थे मेरे, 70 आउट ऑफ 50 थे शायद, 50 या 51 थे जहाँ तक मुझे लग रहा है। 20 मार्क्स मैंने घटाए थे। और अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, अब ये बात भी कर लेते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट करना है, पेपर को छोड़ना नहीं है, साफ सुथरा पेपर अटेम्प्ट करो, पहले जो आता है वो सब कर लेना, फिर जो नहीं आता है ना, जैसे मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, तो उसमें भी मैं कुछ ना कुछ भर के आया था, आधे आधे पेज का आंसर लिख के आया था, जेनविनली कुछ भी सिली चीज़ें लिख के आया था। ये अच्छी बात नहीं है, बस ये जुगाड़ है जो करना पड़ता है जब तुम्हें आंसर नहीं आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही करो और पढ़ो मत या वो करो, अब जब नहीं पढ़ा तो क्या कर सकते, कुछ नहीं, खाली छोड़ने से अच्छा कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे ना। तो ये बात मानो कि सीबीएसई में ये एडवांटेज होता है कि अगर आप शीटें भरोगे तो थोड़ी बहुत आपको मदद मिल जाती है, मतलब ऐसा अंदर से खुद को सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो भाई शीट तो कम से कम भर के आए हैं, अब बाकी तो टीचर मालिक, टीचर जैसा मिलेगा आपको चेक करने वाला। तो पहले जितना आता है पेपर वो किया करो, और जो मैंने बोला कि एनसीईआरटी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर एनसीईआरटी भी नहीं हो रही तो प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन कर लो, दीज टू थिंग्स विल हेल्प यू आउट, वाओ इंग्लिश, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बस यही डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री के लिए पूछ रहे थे और केमिस्ट्री मेरी भी वीकनेस थी, तो मुझे मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम कि क्या है क्या नहीं है। तो बस अब अगर और भी कोई वैसे और कोई डाउट तो क्या ही होगा, मैं क्या ही सॉल्व कर लूँगा, बस इतना बोलना चाहूँगा प्लीज़ पढ़ लो, These days will not come again, मतलब दोबारा से नहीं आने वाले, तुम में regret ना feel हो, बस इसलिए पढ़ लो, marks लाने के लिए मत पढ़ो। ये सोचो कि तुम exam दे के आओ तो ये ना सोचो कि काश एक दिन और पढ़ लिया होता या एक रात और होती, ये सोचो कि चल यार इतना मैं इतना ही कर सकता था, मैं मेरे को chemistry के लिए regret नहीं होता, मैं ये बता देता हूँ सामने से, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इतना ही कर सकता था उस चीज़ में, क्योंकि मेरा level ही उतना था chemistry के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने अपना best दिया, मेरे जितने भी हैं मैं खुश था। तो सेटिस्फाई होना सीखो और उस लेवल के लिए काम करो, अगर तुम्हें चाहिए कि 95% मार्क्स चाहिए तो उतनी मेहनत करना सीखो, फिर आना 95% मार्क्स की बात करना, पहले उस लेवल के बनो फिर कुछ करना, ठीक है, फिर कुछ सोचना। तो हर चीज़ जो होती है वो मेहनत से होती है और अपने अकॉर्डिंग होती है। तो बाकी की बात तो तुम समझ ही गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो गुड लक फॉर योर एग्जाम, जो भी करना है अभी से करना शुरू करो, ज़्यादा टाइम है नहीं तो अब लग जाओ भाई, अब ठीक है पढ़ने में। अब वीडियो देख ली है तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो जिनको केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, और एक बढ़िया सा कमेंट भी कर दो, और नहीं करना तो एक बढ़िया सी बात बोल दो नीचे, ठीक है। तो चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया। वैसे मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, बीच बीच में ऐसे करना पड़ता है, व्यूज के लिए करना पड़ता है, मतलब ऐसे चैनल की ग्रोथ करवानी होती है ना, तो ऐसे टॉपिक पर बात कर दो जो सबको चाहिए होता है, तो कर देते हैं ऐसे कभी कभी, हम ऐसे कर देते हैं। टाटा बाय बाय। छोटा सा मैं लड़का, छोटी चीजों पे मैं भड़का, मेरे दाम में नहीं था तड़का, घर पे बाप के रोज का